माई डयर अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे हेलमेंस यानी वर्म्स हेलमेंस की मेडिकल इम्पॉर्टेंस की तीन क्लासेस हैं सीस्टोडा ट्रीमेटोडा और नीमेटोडा इन तीन क्लासेस में कई पैरासाइट्स हैं लेकिन हम सिर्फ तीन ही को पढ़ेंगे जो बहुत अहम हैं टनिया सेजीनाटा एस केरसलुम्रिकोडिस हुकर्म टीनिया सैजिनाटा इसका ताल्लुक ताल्लुक़ी से है और इसे बीफ वर्म कहते हैं क्योंकि ये गाय का गोश्त खाने से इंसान के जिसम में मुंतकिल होता है इसको हैज़ फोर सकर्स बट नो हुक्स ग्रेविट प्रोग्लोटिड्स हैव फिफ्टीन टू तो ट्वेंटी यूट्राइन ब्रांचेस इसकोलेक्स टेफवम के मुंह को कहते हैं जो आंतों से अटैच होकर अपनी गज़ा हासिल करता है और ग्रेविट प्रोग्लोटिड्स इसके जिस्म के आखिरी सेगमेंट्स होते हैं जो अंडे बनाते हैं डिजीज़ ये टीनियासिस करता है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सजिनाटा ह्यूमंस इनजेस्ट अंडर कुक बीफ कंटेनिंग सिस्टी सरकी larvae attach to the gut wall and become adult worms with gravid proglottids terminal proglottids detach pass in feces and are eaten by cattle in the gut oncosphere embryo hatch burrow into blood vessels and migrate to skeletal muscles where they develop into cysticerci Tinea saginata say, इन्फेक्टेड गाय के गोश्त में उसके सिस्टी सर की मौजूद होते हैं सिस्टी सर की टेप वॉम के लार्वा को कहते हैं जब इंसान ये गोश्त खाता है तो उसकी आंत से ये लार्वा अटैच हो जाते हैं और एडल्ट वर्म में तब्दील हो जाते हैं टेप वर्म की पूरी बॉडी सेगमेंट से बनी होती है और आखिरी सेगमेंट्स ग्रेविट प्रोग्लोटिड्स होते हैं जो उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और फीसेस के ज़रिए ख़ारिज हो जाते हैं ये अगर किसी तरह गाय की ग़ा में आ जाएं तो उसकी आँत में इन अंडों से एम्ब्रियो निकलते हैं और वो खून की रगों से गोश्त तक पहुंच जाते हैं जहां वो लार्वा यानी सिस्टी सरकी में तब्दील हो जाते हैं और अगर इंसान उन्हें खा ले तो ये साइकिल इसी तरह रिपीट होता है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाय ईटिंग रॉ और अंडर कुक बीफ ये कच्चा या अतपका गाय का गोश्त खाने से इंसान के जिसम में मुंतकिल होते हैं ह्यूमंस आर डेफिनेटिव होस्ट कैटल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट पैथोजेनेसिस टेप वर्म इन गट कॉज लिटिल डैमेज टेप वम इंसान की आँख को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लेबॉट्री डायग्नोसिस ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स विजिबिली स्टूल लेस फ्रीक्वेंटली, ट्रीटमेंट प्राजीकुंटल प्रिवेंशन एडिकुट कुकिंग ऑफ बीफ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एस्करुडिस ये इंटेस्टाइनल निमेटोड है जो एस्केरिएसिस कराता है लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस इन्जेस्ट एग विच फॉर्म लार्वी इन गट लार्वा माइग्रेट थ्रू द ब्लड टू लंग्स वेयर दे एंटर द एल्विलाई पास अप ट्रैकिया एंड आर सॉलोड इन गट। दे बिकम एडल्ट्स and lay eggs, they are passed in the feces, दे embryonate that is become infective in soil. मिट्टी में मौजूद एस्केरिस के अंडे अगर किसी तरह इंसान की गज़ा में शामिल हो जाएं, तो वो आंतों में पहुँच कर लारवी में तब्दील हो जाते हैं लारवा खून के ज़रिए फेफड़ों तक पहुँच कर वहाँ फिर खून से निकल कर एलवलई के ज़रिए ट्रैकिया तक चले जाते हैं और फिर सांस की नाली से ईसोफेगस तक चले जाते हैं फिर आंतों में जाकर एडल्ट वम में तब्दील हो जाते हैं और अंडे देते हैं अंडे स्टूल या पाखाने के जरिए खारिज हो जाते हैं मिट्टी में इन अंडों में एम्ब्रियो बन जाते हैं जो कि इन्फेक्टिव होते हैं और ये अंडे अगर इंसान किसी तरह से निगल ले तो ये साइकिल रिपीट होता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाई फूड कॉन्टामिनेटेड विद सॉइल कंटेनिंग एग्स ह्यूमंस आर दी ओनली होस्ट पैथोजेनेसिस लार्वी इन लंग्स कैन कॉज निमोनिया हैवी वर्म बर्डन कैन कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और माल न्यूट्रिशन पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि एस्केरिस की लाइफ साइकिल में लार्वा को फेफड़ों से गुजरना होता है तो फेफड़ों में मौजूद ये लार्वी निमोनिया भी करा सकते हैं अगर आंतों में बहुत सारे एडल्ट वर्म पैदा हो जाएं, तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और माल न्यूट्रिशन भी करा सकते हैं एक्स डाइग्नोसिस इन इनफीसिस स्नोफीलिया अकर्स ट्रीटमेंट मेबिंडोल और पैरेंटल पॉमोइट, प्रिवेंशन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एनकैलो इस्टोमा ड्यूडिल और नेकेटर अमेरिकेनस इन दोनों को मजमू तौर पर हुक वर्म कहते हैं ये भी एस्केरिस की तरह इंटेस्टाइनल नीमेटो हैं डिजीज़ Hookworm infection. Life cycle of ankylostoma duodenal and necator americanus. Filary form larvae penetrate skin, enter the blood, and migrate to the lungs. They enter alveoli, pass up the trachea, then are swallowed. They become adults in small intestine and attach to walls via teeth.

फिर एस्केरिस ही की तरह वहाँ से आंतों तक पहुँचता है छोटी आंत में एनकाइलो अपने दांतों और नेकेटर अपनी कटिंग प्लेट के सहारे अटैच हो जाते हैं इनके अंडे स्टूल के जरिए खारिज होते हैं और मिट्टी में इन्फेक्शस बन जाते हैं ट्रांसमिशन फाइलेरी फॉर्म लार्वी इन सॉइल पैनीट्रेट स्किन ऑफ फीट ह्यूमंस आर द ओनली होस इसके लार्वी मिट्टी से पैरों की जिल्द में पेवस्त हो जाते हैं पैथोजेनेसिस एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस फ्रॉम जी आई ट्रैक हुक्म की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आंतों से खून चूस कर एनीमिया पैदा करते हैं सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और अगर छोटे बच्चे एनीमिया के साथ मिले तो उनमें हुकवर्म इन्फेक्शन को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए लेबॉट्री इन एक्सविजिबिलफिस इसनोफीलिया अकर्स ट्रीटमेंट मेबीडेज और पैरेंटल पॉमेट prevention use of footwear proper disposal of human waste thank you my dearest friends allah hafiz